नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। उसके पहले आपने अगर मेरी चैनल सरकार पामिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल का बटन है उसे दबाकर, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब इस पाम में सबसे बड़ी खासियत है इनकी ये जीवन रेखा। ये पाम इस चैनल पर इसका रियल ले आया हूँ कि इस तरह की जीवन रेखा आपने अभी तक कभी देखी नहीं होगी। अब इसके क्या मायने हैं ये एनालिसिस के साथ साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले नज़र करें तो इस पाम का कलर काफ़ी अच्छा है और ये रेक्टेंगल पाम है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग बोलकर अपना कार्य करते हैं, मेहनत थोड़ी सी कम होती है इनकी। फर्स्ट उंगली गुरु पर्वत की ओर बैंड हो रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। व्यक्ति धर्म के मामले में थोड़ा धार्मिक होता है। और इनकी छोटी उंगली है वो फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है। और सबसे अच्छी खासियत, ये उंगली का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मुड़ रहा है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा मुड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति हिसाब किताब में, मनी मैटर और बिजनेस मैटर में काफ़ी शार्प होते, हद से ज़्यादा शार्प होते ये लोग। इनका अंगूठा भी काफ़ी सशक्त है, स्ट्रांग है। और जीत वाला पार्ट जो फर्स्ट फैलेंज है वो काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और नुकीला भी है, तो अपने जिद के प्रति ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। सेकेंड फैलेंज थोड़ा सा कम है एवरेज से, तो हो सकता है ये अपनी बातें समझाने में उतने माहिर ना हो। अब इनके टोटल ग्रह देखो आप, कोई भी एक भी ग्रह दबा हुआ नहीं है, ये दूसरी खासियत। अब इनके बुध पर्वत की ओर चलते हैं, बुध पर्वत अपने आप में उठा हुआ है, तो ये सबसे अच्छा है, यानी व्यक्ति को सुंदरता देता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हुनर देता है बुध पर्वत। और वाणी इनकी अच्छी होती है, यानी बोली इनकी अच्छी होती है, रिफाइंड होती है, और उस पर खड़ी रेखाएं भी है, तो ये बिजनेस एक्यूमेंट में अच्छे खासे एक्सपर्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए, फिश की शाइन है, क्लियर कट, ये इनको इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाएंगी ये फिश, पर अपने रिस्पेक्टिव वर्ल्ड में, यानी जो व्यक्ति काम करता होगा उस वर्ल्ड में उसको ख्याति मिलेगी, तो ये फिश शाइन। और प्लस विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बनते इस फिश के कारण। अब यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इनका जो कारोबार होगा वो फैला हुआ होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इनका जो कारोबार होगा वो फैला हुआ होगा, मल्टी सिटी कारोबार। बहुत बार इतने बड़े स्क्वायर में तो लोग इंटरनेशनल लेवल तक का कारोबार फैला हुआ होता है, या ये जॉब भी करते तो इनको फैला हुआ कारोबार हाथ में आता है, इस तरह का माहौल बनता है इनके जीवन में। अब यहाँ पर धन रेखा को मिलाकर एक स्क्वायर भी बन रहा है हृदय रेखा के साथ, तो ये इनको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगी। ये शनि पर्वत पर देखें तो कंटिन्यू एक रेखा जा रही है, और यहाँ पर मनी रिसीविंग एंटेना भी बना हुआ है, तो धन के मामले में बुढ़ापे तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेखा इस तरह से जा रही है गुरु पर्वत की ओर, तो हो ना हो इनके पॉलिटिकल और सरकारी जीवन में कोई लाभ मिले इनको। और एक शुक्र वलय भी बना हुआ है, तो जब शुक्र वलय बनता है थोड़ा टूट टूट कर, तो इस तरह का जब शुक्र वलय बनता है तो व्यक्ति, जहाँ आम व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, वहाँ ये लोग लाखों रुपया कमा सकते हैं, इतना ताकत इस शुक्र वलय में, चाहे वो टूटा हुआ है तो भी। हाँ, मूड स्विंग का प्रॉब्लम इनको रहेगा इस शुक्र वलय के कारण। और यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो ये बेस विद्या रेखा, इन लोग को 10 लोग पूछ कर काम करते हैं, छोटे उम्र से ही पूछ पूछ कर काम किया जाता है, इस तरह का माहौल बनता है इनके साथ, क्योंकि इनको बेसिक नॉलेज होता है, धरातल का नॉलेज होता है, कॉमन सेंस होता है, कॉमन नॉलेज जो है वो इनके पास, जनरल नॉलेज भी अच्छा खासा होता है, तो लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, तो ये उस रेखा के कारण ये लाभ मिलता है। और एक ऐसा ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, हो ना हो ये कभी ना कभी जंत्र तंत्र मंत्र के अंदर भी इंटरेस्ट ले। जब यहाँ पर
शनि पर्वत पर ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति का ध्यान उस तरफ भी जाता है, तो ये एक माइनस पॉइंट है इनके जीवन में। और यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है इसके कारण इनको पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी फायदा मिलेगा, ये लाभ भी मिलेगा। अब इनके गुरु पर्वत को देखते हैं, गुरु पर्वत पर हॉरिजॉन्टल लाइनें चल रही है कंटिन्यू, तो ये मल्टीपल इनकम दिखा रही है, प्लस वर्टिकल लाइन भी है, तो ये कंटिन्यू विकास इनके जीवन का होता रहेगा। और यहाँ पर स्क्वायर भी बन रहा है तो 32 साल के पहले व्यक्ति अपना खुद का घर लेगा, 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचेगा, ये सारे लाभ इनको मिलने वाले। पाम बहुत अच्छा है, कोई कमी है नहीं। अब यहाँ पर अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, मध्यम एनर्जी इनके शरीर में रहेगी, पर ये जो लाइनें चलती है ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा सोचने पर मजबूर करती है, चिंतित स्वभाव देती है। तो इसका इलाज है व्यक्ति का मेडिटेशन करना, ये अगर मेडिटेशन शुरू करे तो ये रेखाओं पर असर पड़ेगा, कम होगी, पर ये चिंता रखने का स्वभाव इनका बनता ही है, अच्छा हो या बुरा हो व्यक्ति चिंता में रहता है, पर अंदरूनी मंगल अच्छा है तो हिम्मत शरीर की अच्छी रहती है, यानी एनर्जी अच्छी रहती है। अब इनका भारी मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है, मध्यम है, तो हो ना हो ये पहले सामने वाले व्यक्ति को चेक करते होंगे और फिर धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्वमेंट लेते होंगे, इस तरह का नेचर इनका होगा। और संकट के समय थोड़े से हताश भी होते होंगे, कहीं ना कहीं दूसरे का सहारा ढूंढने की कोशिश करते होंगे, इस तरह का माहौल स्वभाव होगा। अब इनका चंद्र पर्वत देखे, अच्छा खासा उभरा हुआ है चंद्र पर्वत, जो भी विदेश में रहता है उसका चंद्र पर्वत ऑलवेज अच्छा होता है, और ये ट्रैवल लाइन भी है इनके हाथ पर, और जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाएं भी है, तो ये भी इनको विदेश में रहने का सुख दे रही है। और चंद्र पर्वत किसका भी अच्छा रहा तो व्यक्ति विदेश में अच्छा खासा सेटल हो पाता है। और यहाँ पर आप देखिए एक रेखा ये चल रही है, ये इनके पेट की खराबी दे रही है इनको, इनका पेट खराब रहता होगा इस रेखा के कारण। अब चलते हैं यहाँ पर मनी ट्रायंगल की ओर, मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट बना हुआ है, तो जीवन में इनकम के स्रोत कंटिन्यू बनने वाले हैं इनके जीवन में, ये एक इनको लाभ मिलेगा। और बुध रेखा भी यहाँ तक चल रही है तो बहुत बड़ा साम्राज्य तो खड़ा नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी अच्छा खासा विकास करने वाले ये, क्योंकि शुक्र पर्वत भी है, फिश साइन भी है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। अब इनके शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत पर एक खामी है, पर्वत बहुत अच्छा है पर इस पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं है। मैं इनको व्हाट्सअप पर इसका इलाज दे दूंगा, बहुत आसान इलाज है, ये इनको बाधाएं लाती है जीवन में, कंप्लीट बाधाएं, ऐसा लगता होगा इनको जैसे कोई आगे बढ़ने के लिए पकड़ के रखा है इनको, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इस तरह की फीलिंग आती है। और ये जो भी कार्य करते होंगे वो रिकॉग्नाइज नहीं होता लोगों के सामने, अगर कंपनी में काम कर रहे 10 लोगों ने अगर प्रेजेंटेशन बनाई तो इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने के बावजूद भी इनकी प्रेजेंटेशन फाइनल नहीं होगी, किसी और की खराब होगी, वो स्कोर लेकर जाएगा। तो इस तरह का माहौल जीवन में बनता है इस तरह की छोटी रेखाएँ जब होती है, तो बारीक रेखाएँ जब शुक्र पर्वत पर होती है। तो अब ये इनके इस पर्वतों को बहुत अच्छा स्पेस मिला हुआ तो ये भी प्लस पॉइंट है, प्लस विदेश से इनकम के लिए सूर्य की ओर रेखा जा ही रही है तो ये भी प्लस पॉइंट है, हमेशा विदेश से इनकम कर पाएंगे ये। अब इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं, बढ़िया हार्ट लाइन है, जस्ट टच होकर आगे बढ़ रही है तो ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर फ्लट रेखा भी काफ़ी है तो व्यक्ति खुश मिजाज रहने की कोशिश करता है, यहाँ पर चिंतित स्वभाव भी है, प्लस व्यक्ति को दुख आया तो थोड़ी देर दुखी रहता है इस फ्लट रेखाओं के कारण, और उसके बाद खुशी ढूंढता है, इस तरह का व्यक्ति के जीवन में लाभ मिलता है। और ये हार्ट लाइन पर गुरु पर्वत से शुरू हो रही है तो व्यक्ति काफ़ी विश्वासु किस्म का इंसान रहता है, किसी के 5-10 रुपए भी बाकी हो तो सामने से देकर आएगा, इस तरह का विश्वास रहता है कि कोई नुकसान भी हुआ तो व्यक्ति जब भी पैसा कमाएगा सामने से देकर आएगा।
यहाँ पर इस हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे जा रही है, तो नेकी कर, दरिया में डाल। इनका सेवा भाव का स्वभाव रहता है, लोगों को ये पैसा देते और वापस नहीं आता, पर ये स्वभाव चेंज होता नहीं, वैसा का वैसा इनके जीवन में रहने वाला ये स्वभाव। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पर देखें तो इनकी माइंड लाइन का जो उद्गम स्थान है वो अंदरूनी मंगल है और इधर सीधी चल रही है। तो जब अंदरूनी मंगल से शुरू होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, ज़्यादातर प्लान दिमाग में रहेंगे या कागज पर रहते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, इस तरह का इनके साथ होता होगा। और ये माइंड लाइन छोटी है तो व्यक्ति बुद्धि प्रतिभा तो अच्छी होती है, पर एक सर्टन दबाव तक ही व्यक्ति अपने प्रेशर को झेल पाता है, उसके बाद विस्फोटक हो जाता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है इनमें। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर, जो खास टॉपिक है। ये जीवन रेखा बहुत लोग देखकर आश्चर्यचकित करते होंगे कि ऐसी भी जीवन रेखा होती है, कितने तो डर जाते कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ कि मेरी मौत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कंप्लीट कनेक्टेड है अप टू यहाँ तक। तो जीवन के लगभग 60-65 साल तक कंटिन्यू इनके जीवन में बदलाव आएगा और वो पॉजिटिव ही होगा बदलाव, कंटिन्यू। ये एक टाइप की प्रोग्रेस लाइन ही, इनको पकड़ो, एक टाइप की ये प्रोग्रेस लाइन ही है, पर बहुत बड़ा बदलाव आता है, छोटा मोटा बदलाव नहीं आता, अच्छा खासा बदलाव आता है। और ये 24 साल की उम्र है, इनका क्वेश्चन भी था, मैंने बहुत कंपनियां चेंज कर ली, बहुत कुछ हो गया मेरे साथ, तो ये यहाँ से ही शुरू है। ये 25 ईयर्स की एज और यहाँ पर ही देखिए आप, यहाँ से ही ये सिस्टम चालू है इनकी, इसी तरह की। ये ऐसी जीवन रेखा आपने कभी देखी नहीं होगी, ये एक अलग ही किस्म का हाथ है। ये आप देखिए कंटिन्यू इनके जीवन में हर 2 साल 3 साल 4 साल में बदलाव आते ही रहेगा, और वो होगा पॉजिटिव ही, नेगेटिव बदलाव नहीं होने वाला। और इनको खरोच तक नहीं आने वाली, इनके जीवन को खरोच तक नहीं आने वाली, एक ऑपरेशन तक भी नहीं होने वाला, और बदलाव की रेखा है ये जीवन रेखा। ये बहुत अलग किस्म की जीवन रेखा है, पर मैंने इस जीवन रेखा को अच्छी तरह से देखा है, हर रेखा एक दूसरे से टच में है। हाँ, अगर कहीं पे टच ना हो तो व्यक्ति को टेंस आता है, पर यहां पे कंटिन्यू रेखाएं एक दूसरे से टच में है, कंटिन्यू। जब भी तुम्हारी जीवन रेखाएं इस तरह से डिवाइड होकर चलती है तो ये एक टाइप की प्रोग्रेस रेखा ही है, और अच्छा खासा बदलाव जीवन में आता है। और ये बदलाव इनके शुरुआत से ही है, और इनका 24 साल की उम्र में भी ये प्रश्न था कि मेरे साथ ये इस तरह से हो रहा है, और ये इस तरह से होता ही रहेगा, बचपन से इनके साथ ये चीज़ हो रही है कंटिन्यू। अब इसमें साल बताना भी हार्ड होता है क्योंकि गैप है, पर हर 2-4-5 साल में इनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते रहेगा, और इनका जीवन की नैया अच्छी खासी आगे बढ़ती रहेगी। ये डिफरेंट जीवन रेखा थी, इसके लिए पाम एनालिसिस में मैंने ये पाम नहीं डाला, और इसको सरकार पामिस्ट्री चैनल पर मैंने इसको अपलोड करने के लिए ये वीडियो बनाया। ये कंप्लीट जीवन रेखा अच्छी खासी डिफरेंट है, जो रेयर साइन है। इनका बार बार जीवन में बदलाव आएगा, आज ये देश में, कल दूसरे देश में होंगे, परसों तीसरे देश में होंगे, इस तरह से चलते रहेगा। अगर एक देश में भी है तो आज ये शहर में है तो कल दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, इस तरह के बदलाव इनके जीवन में चालू ही रहने वाले, पर वो होंगे टोटल पॉजिटिव बदलाव, सीढ़ियां अप ही जाने वाली इनकी जीवन की। अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं, चंद्र रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, तो ये लोगों का सहयोग भी इनको अच्छा खासा मिलेगा। और इस फेट लाइन पर अगर देखें तो उम्र एक हल्का सा कट, उम्र 29 के आसपास या 28 28.5 के आसपास आ रहा है। उसके बाद ये रेखा यहाँ तक अप टू 40 तक चली,
40 तक यहाँ स्टॉप हो रही है और एक फेट लाइन इनकी उम्र 33 से और शुरू होकर ये इस तरह से आगे गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो हो ना हो इनके जीवन में कोई सरकारी काम भी जीवन में आए, पॉलिटिकल काम कहो, सरकारी सप्लाई का काम कहो, या सरकारी जिम्मेदारी, कोई और देश में भी ये सरकारी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, इस तरह का भी इनके जीवन में माहौल बन सकता है उस तरह का, पर 33 के बाद। और इस तरह से कंटिन्यू फेट लाइने है, ये उम्र 40 से और एक जीवन में इनकम का स्रोत बनेगा इनके पास। ये यहाँ से जो शुरुआत है ये यहाँ स्टॉप हो रही है 40 के आसपास, और उसके बाद भी हल्की हल्की चल ही रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राहु रेखा का केवल एक उम्र, अगर राहु रेखा को काउंट करें तो उम्र लगभग 36 के आसपास एक कटाव है, एक उम्र 38 के आसपास है, और एक उम्र 43 के आसपास ये कटाव है। तो इस उम्र में इनको कोई खर्च लग सकता है, पर ये कटाव लगभग इनको प्रॉपर्टी दिलाएगा, कोई ना कोई परिवार के लिए बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला, पर ये दो जगह पर कोई ना कोई थोड़ा छोटा मोटा नुकसान इनको जीवन में होगा। बाकी इनकी फेट लाइन कंप्लीट स्मूथ है और नॉन स्टॉप विदेश धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। तो इनको पैसे की कमी जीवन में रहने वाली नहीं। हाँ, बार बार बदलाव आएगा जीवन में, शहर चेंज होंगे, देश चेंज होंगे, इस तरह का इनके साथ रहने वाला है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।